हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम नोकिया मोबाइल 206 को अनलॉक और फ्लैश करेंगे। तो बहुत ही इजी मेथड है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपको अक्सर यूट्यूबर कहते हैं ये बहुत मुश्किल है, ये ऐसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, सिंपल ट्रिक्स है। तो कैसे करना है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो अपना नोकिया बेस्ट इसके लिए आपको जरूरी है, इसको ओपन करेंगे और फ्लैशिंग पे आएंगे और इसकी जो मॉडल है, मॉडल की रैम होती है वो सिलेक्ट करेंगे। तो जो जहाँ पे हमने इसकी फाइल डाउनलोड करके रखी होगी वो सिलेक्ट करेंगे। हम इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए, बहुत ही आसान लफ्जों में जो आपको इजीली समझ भी आ जाए। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारी कोशिश होती है कि आपसे आसान से आसान तरीकों में समझाया जाए आपको। तो हमने फाइल सिलेक्ट कर लिया है, हम इसको अब फ्लैश पे लेके आएंगे। ये फ्लैश होना शुरू हो गया है, बस जो लेटेस्ट मॉडल है वो तो बहुत जल्दी फ्लैश हो जाते हैं और लॉग हो जाते हैं, जस्ट 30 सेकंड या 20 सेकंड में हो जाते हैं। लेकिन ये ओल्ड वर्जन है, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ये 4 से 5 मिनट ले जाएगा फ्लैशिंग में और इंशाल्लाह 100% ये वर्किंग करेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसकी पूरी फीडबैक दूंगा। अब जो भी कमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई करूंगा, आपको मुकम्मल गाइड्स करूंगा। तो ये तकरीबन लगभग हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।